अब ट्रंप को एहसास हो चुका है कि उसके अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं कम होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की यह चिंता अकारण नहीं है, बल्कि उनकी इस कसरत के पीछे अमेरिका में मौजूद अमरीकी चीनी और अमरीकी भारतीयों की वह बड़ी संख्या है जो एक ही झटके में ट्रंप के बड़बोलेपन से नाराज हो गई है। इसका असर शुक्रवार के उस बयान में भी झलका जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीनी इसी उम्मीद में अगले राष्ट्रपति चुनाव तक व्यापार समझौते में देरी करने की कोशिश कर रहा है कि वे पुनः निर्वाचित नहीं होंगे और चीन के लिए डेमोक्रेट्स के साथ सौदेबाजी करना आसान रहेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि चीन संभवतः कहेगा कि इंतजार कीजिए, मतलब चीन के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हरगिज नहीं होगा। वैसे भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कार्यकाल विवादित रहा है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव का मामला आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस केस की जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मूलर की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राष्ट्रपति ट्रंप पर महाअभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। 2016 का यह मामला चुनाव में रूसी दखल से जुड़ा हुआ है। इसी सप्ताह के अंत तक ट्रंप ने अपने नासमझी बयानों से जिस तरह दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका के प्रति नाराजगी बढ़ाई है, वह भी अमेरिकियों में उनकी अलोकप्रियता का कारण बन रही है। सप्ताह के शुरुआत में ट्रंप ने कश्मीर पर दिए विवादास्पद बयान से भारत से बने रिश्तों को चोट पहुंचाने के साथ ही अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद करने का बयान भी उनके मानसिक दिवालियापन को साबित कर गया है। शुक्रवार को ट्रंप ने एक ट्वीट फ्रांस को लेकर दिया जिसमें उन्होंने गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की कोशिश पर अंजाम भुगतने की धमकी दे दी, जिसके जवाब में फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मार ने ट्रंप की धमकी को यह कहते हुए ठेंगा दिखा दिया कि फ्रांस को ट्रंप धमकी देने की भूल ना करे। ट्रंप जानते हैं कि 2016 में उनको राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में बाहरी अमरीकियों की बड़ी भूमिका रही है। इनमें चीन, भारत और पाकिस्तान से अमरीका में जाकर बसे लोगों का बड़ा हाथ है। 2020 में होने जा रहे चुनाव में 27 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें जो बिडोन, बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वारेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी विदेश नीति अब असफल हो रही है। चीन के साथ अमरीका के संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जबकि भारत के साथ जिन रिश्तों की आधारशिला रखकर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश गए थे उन्होंने उस पर पलीता लगा दिया है। केवल इतना ही नहीं, फ्रांस, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के साथ भी ट्रंप संबंधों को पटरी पर नहीं ला पाए हैं। इसकी वजह से खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाना मुश्किल लग रहा है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीयों की तादाद सर्वाधिक है और इस वक्त वे ट्रंप को लेकर काफी भड़के हुए भी हैं। बड़ी बात यह है कि 2016 में अमेरिकी भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वाधिक चंदा भी दिया था, मगर इस बार कश्मीर को लेकर दिए गए ट्रंप के भारत विरोधी बयान ने भारतीय अमेरिकियों को काफी मायूस किया है, जिससे एक बड़ी लोबी ट्रंप के विरोध में उतर आई है। वैसे अधिकतर भारतीयों का समर्थन कमला हैरिस और तुलसी लेगार्ड के साथ है, मगर जो बिडोन को लेकर भी कैलिफोर्निया में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि यह भी सत्य है कि अमेरिका की राजनीति भारत की वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल उलट है, मगर यहां पे बनी लोबी दूसरे देशों के रिश्ते के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमरीकी भारतीयों और अमरीकी चीनी डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें दोनों देश अपना अपना फायदा तलाश रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ अमरीकी भारतीयों का गुस्सा H-1B वीजा को लेकर पहले से था, अब कश्मीर के बयान ने उस पर आग में घी डालने का काम किया है। मतलब साफ है, भारत का साथ ट्रंप और अमेरिका के हित में है। अब भारत के खिलाफ बकलोली ट्रंप की राजनीति पर भी असर डाल रही है। हालांकि ट्रंप अपने विदेश मंत्रालय से बयान दिलवाकर उन्हें फिर से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, मगर भारत समझ गया कि अमेरिका की नीतियां कभी स्थायी नहीं होती। इस मुल्क के दोस्त और दुश्मन इसकी नीतियों के साथ बदलते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इसी ट्रंप के दबाव में भारत ने अपने पारंपरिक मित्र रूस को बिल्कुल नहीं खोया है, अन्यथा S-400 को लेकर अमेरिका ने जिस प्रकार उच्च स्तरीय दबाव और धमकियां दी वह इसकी भारत को रूस से दूर करने की साजिश का ही पर्दाफाश करती है। सितंबर में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि यह भेंट भारत अमेरिकी संबंधों को किस दिशा में ले जाती है। पर यह भी अब साफ हो गया है कि भारत पूर्व की भांति अब ट्रंप को अधिक अहमियत नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका का यह राष्ट्रपति झूठ बोलकर भारत की नजरों में अपनी इज्जत गंवा चुका है।
और भारत बेइज्जत लोगों को कोई महत्व नहीं दिया करता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।